अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी फ़ोटो को एडिट कर सकते हो। ये मेरे पास जो एप्लीकेशन है बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है, पिक्स आर्ट से भी अच्छी है। मतलब पिक्स आर्ट में होती है ना एडिटिंग, उसमें ज़्यादा ऑप्शन है, इसमें थोड़े कम ऑप्शन है, लेकिन इसमें भी काफ़ी ऑप्शन है। इसमें आपको ये मिलेगा, अगर आप फेस अच्छा स्मूथ करना चाहते हैं ना तो आप इसमें कर सकते हो। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने चूज क्लोज फोटो अगर कर देनी है, अगर लेफ़्ट साइड पे आपने जाके यहाँ से कोई भी फ़ोटो ना आपने सेलेक्ट करके देनी है, ठीक है ना। मेरी पहले की यही फ़ोटो खुली हुई है तो मैं इसी फ़ोटो को ओपन कर दूँ। पहला हमारे पास ऑप्शन है स्मूथ। स्मूथ में कौन कौन से ऑप्शन है? स्मूथ में ऑप्शन है स्मूथ, पहला ही है, एक स्मूथर है। स्मूथर से क्या होगा, स्मूथर से ना ये देखें, जहाँ पे आप फेरते जाएंगे वहाँ से ये स्मूथ होता जाएगा, ठीक है। हाथ से आप उंगली से ना जहाँ से टच करते रहेंगे वहाँ से अपना स्मूथ होता रहेगा। ये देखें, ये से या देख सकते हैं, ये देखें वहाँ से स्मूथ हो जा रहा है। एक है ग्लो, ग्लो ये यहाँ से ना ये फेस ग्लो करता है, ठीक है। ये आप थोड़ा थोड़ा करके अपने सेट कर सकते हो। मैं इसको नहीं यूज़ करूँगा। तो कौनसल है, इसके मेट है, और भी काफ़ी ऑप्शन है। अभी आप फेस में चलते हैं, फेस में जाके आप देखते हैं क्या चीज़ है। ये देखें, स्माइल आप कर सकते हो, आपका फेस थोड़ा मोटा हो जाएगा। अगर आप मतलब फेस है ना आपका, तो थोड़ा आपका फेस मोटा हो जाएगा। ये देखें स्माइल भी हो रही है, ये देखें, और जॉ ये देखें, ये आप देख सकते हो, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से आप सेट कर सकते हो। आईज में जाके आप इसको भी सेट कर सकते हो। आईज मोटी करनी मोटी कर लो, ब्रीक करनी ब्रीक कर लो, सही है। नोज नोज को भी छोटा बड़ा कर सकते हो, ये देखें। आईब्रो को आप छोटा बड़ा कर सकते हो, ये देखें। ये आप लड़कियाँ हैं जो है ना मेकअप कर सकती हैं इसमें, अगर आप अपना मेकअप ना सेट कर सकते हो इसमें, अपने होंठ को छोटा कर लो बड़ा कर लो, अपनी मर्जी सेट कर सकती हो। लड़कियों के लिए बहुत ही कमाल की ये चीज़ है एप्लीकेशन। तो अपनी आप मेकअप करने के बाद इससे सेट करो अपने जो भी फेस वगैरह सेट करने, अपनी फ़ोटो को सेट करो, और जहाँ भी अपलोड करनी है अपलोड करो। तो आपकी बहुत ही अच्छी डीपी इसमें बनने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही कमाल की है, आप देख सकते हैं। उसके बाद मेकअप में जाके हमारे पास काफ़ी ऑप्शन आएंगे मेकअप, लेकिन ये लड़कों पे इतना सूट नहीं करता, क्योंकि ये मेकअप लड़कियों के लिए। तो ना यार देख सकते हैं, अभी मैं आपको वैसे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं आपको वैसे करके दिखाता हूँ, थोड़ा लाइट करके ना, जिस कलर का आप मेकअप करना चाहो आप ये देखें, जिस कलर का आप करना चाहो ना मेकअप, आप मेकअप कर सकते हो। जब मैं इस कलर का कर रहा हूँ तो मेरा ना ये देखें इस कलर का हो जा रहा है, ठीक है। ये देखें, ये आप देख सकते हैं मेरे वहाँ से इस तरह का हो गया, इस तरह का था, इस तरह का हो गया, काफ़ी अच्छा हो गया है। ये ऑप्शन बहुत ही कम मिलते हैं बहुत सारी ऐप्स में, आपने देखे होंगे, लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है बहुत ही कमाल ऑप्शन है। ब्रश में भी जा सकते हैं आप, इसको भी सेट कर सकते हो, और कौन से मेकअप में और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं मेकअप में, देखते हैं। और भी लाइनर है इसके अंदर, शेडो इसके अंदर है। अगर आप लड़कियों के लिए, मैंने आपको पहले बताई है जो है ना ऐप से, लड़कियों के लिए ज़्यादा यूज़ होने वाली है। लड़के भी कर सकते हैं अपनी छोटी मोटी ना एडिटिंग, लड़के क्या कर सकते हैं। अगर आपकी फ़ोटो है कोई भी, आपने फ़ोटो इसमें अपलोड की, अपना फेस थोड़ा सेट करो, फेस आपके जो दाने वगैरह हैं ना पिंपल वगैरह उसको रिमूव करो, एक्नी को रिमूव करने के बाद अपना जो फेस साफ करो, वाइट करो थोड़ा, और टेम्परेचर वगैरह को सेट करो, कलर एडजस्टमेंट में करो, फिर बालों को करो, बालों को सही करो। बालों को अगर डाई करना है डाई कर सकते हो, इसके अंदर ऑप्शन है। बैकग्राउंड इसके अंदर चेंज हो जाती है, ब्लर हो जाती है, जैसे ही आप अपनी मर्ज़ी से करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। इतनी छोटी मोटी एडिटिंग, इसके लिए लेंस भी डाल सकते हो अपनी आईज़ के अंदर, आप अपनी आईज़ के अंदर लेंस डाल सकते हो। ग्लिटर भी है आईज के ऊपर लगाने के लिए, और टोन पिकल सब कुछ इसके अंदर है। ये एप्लीकेशन बहुत ही कमाल है। मेरे पास जो वर्जन है ये है प्रो वर्जन, परचेज वर्जन मेरे पास मौजूद है। प्ले स्टोर भी आपको सिंपल वर्जन मिलेगा। ये इसके इफेक्ट वगैरह आ गए हैं, अगर आप सिंपली इफेक्ट वगैरह चाहते इफेक्ट लगा सकते हो, ठीक है। और टच अप भी आ गए, टच अप इसे ग्लो करता है, ठीक है। जैसे आप सेट कर लेंगे थोड़ा, अभी मेरा ना येलो येलो शेड है, जितना आप सेट कर लेंगे उससे भी थोड़ा ना वो साइड ग्लो करेगी, ठीक है। अपनी आप मर्ज़ी से इसको सेट कर लें।
आई भी ग्लो करेगी, ठीक है। आई के नीचे चेक करें, वो देखें फोर हेड को आप चेक करें, फोर हेड। उसके बाद नोज़ को आप चेक करें, ये ग्लो करवाने के लिए ना ये इस्तेमाल होता है, ये देखें। अपनी मर्ज़ी से आप ग्लो करवा सकते हो किसी भी चीज़ को। ये लिप्स वगैरह हैं, आप इसको ग्लो करवा सकते हो जैसे आपका दिल चाहे ना। आप यहाँ से कोई भी फ़ोटो को एडिट कर सकते हो, अपनी फ़ोटो को, किसी की फ़ोटो को एडिट करो और चिल करो, एंजॉय करो। बहुत ही मज़े की एप्लीकेशन है ये वाली। और दूसरी एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, दूसरी एप्लीकेशन कौन सी है। अच्छा, जो दूसरी हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो है फ्लैग फेस। फ्लैग फेस जो है ना हमारे पास, ये भी बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। आप गैलरी में जाके कोई भी फ़ोटो एडिट कर सकते हो। जैसे कि अभी मैंने आपके सामने ये फ़ोटो एडिट किया, अभी मैंने कैप्चर किया आपके सामने से, ये मैंने गैलरी में से नहीं निकाली। अगर आप गैलरी में से निकालना चाहते हो वो वहाँ से भी निकाल सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ से निकाली है। ये ना 14 अगस्त आने वाली है, अगर मुसलमान है पाकिस्तान में जो रहते हैं और अदर कंट्री में भी रहते हैं, आप किसी भी कंट्री का फ्लैग लगा सकते हो। ये देखो कोई भी कंट्री सेलेक्ट करो यहाँ से कोई भी। ये 14 अगस्त के लिए बहुत ही कमाल एप्लीकेशन है। अगर आप अपने फेस के ऊपर लगाना चाहते हो फ्लैग, तो आप इसमें लगा सकते हो, कोई सेट करने की जरूरत नहीं है। देखिए ऑटोमेटिकली सेट है। एक ये चीज़ है पाकिस्तान फ्लैग में, एक ये चीज़ है, सही है। तो ये देखो ये आपका बिल्कुल सेट हो गया, ठीक है। इस तरह अगर आपका मुंह सही सीधा होगा, सीधा सेट हो जाएगा। अगर मेरा मुंह थोड़ा टेढ़ा है तो टेढ़ा सेट हुआ है। इससे बहुत अच्छी फ़ोटो एडिटिंग, मतलब कि ना आपके फेस के ऊपर जो एडिट होता है ना, जो फेस आपका एडिट होता है उससे बहुत अच्छा मिलता है। अच्छा, तो और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें, टीम्स वगैरह हैं। ये देखें अफगानिस्तान इसके अंदर है, और भी बहुत सारे, ये देखें आपके सामने हैं। ये जो एप्लीकेशन है ना, ये फ्री वाली एप्लीकेशन है, ये प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। इसका नाम है फेस फ्लैग। इस एप्लीकेशन का नाम है फेस फ्लैग, ठीक है। आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करें, आराम से मिल जाएगी। और जो दूसरी एप्लीकेशन थी मेरे पास, उसकी नाम था फेस ट्यून टू, FACE फेस TUNE ट्यून टू, फेस ट्यून टू। वो जो एप्लीकेशन है ना वो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी फ्री वर्जन में। जब आप उसको सेव करेंगे तो वो प्रॉब्लम देगी, तो आपने उसको सेव कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने उसको सेव करना है ना, तो आपको उसका प्रो वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि परचेज होता है, आपको ख़रीदना पड़ेगा। लेकिन आपको मैं बताता हूँ कि आप गूगल क्रोम पे जाके उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। उसका नाम लिखना है आपने फेस ट्यून टू, आगे लिख देना मोड APK, तो मोड APK वर्जन आपके आपने डाउनलोड करना है, वो फ्री वर्जन होती है।